Nice watch. Karan bhai. Look here, center, center. पूरा इन लोग का हैट्स ऑफ आप लोगों को इतनी गर्मी में आप लोग कितने बार आप लोग खड़े रहते हो यार बंचे आगे हमारे आज धूप ज्यादा है और ये ASTCL and Rajasthan Jaguars. Rajasthan Jaguars, including him. Thanks for Bandi Bhai for ASTCL. Now he's going to go inside. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Entire team, क्या कुछ कहना चाहेंगे? It's amazing anthem song. So क्या कुछ कहना चाहेंगे first of all? सबसे पहले तो मैं हमारे जो लीग के ओनर है जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है बंटी वाले का बहुत शुक्रिया था मैं कहना चाहता हूँ मतलब he has कहते हैं ना कि जब लीग्स की बारियाँ आती है ना तो लीग्स के चैंपियन एक्चुअली यही है चाहे वो कबड्डी लीग हो चाहे वो फुटबॉल की लीग हो और अब क्रिकेट लीग सो आई थिंक he is the champion he's the champion of the champions and thank you so much for bringing all of us together And secondly is mere the owner of Rajasthan Jaguars. In fact, we both are owners, but he's like the main owner. He and Kush really thanks to their enthusiasm that he's given me a chance to. This is my debut as a singer and my debut as a cricket player in the industry. Thanks to Bandi. Thanks to Anil Bhai. So ye mere liye bahut it's something really amazing, something new for me as an actor. You get to just act, but when Now I realize when you're with Bandi, you get to do a lot more things that you wanted to do with bachpan mein jab. So ichchaen hoti thi hamari. You know, he's making it come true. Sir, जैसे हम लीग्स की बात कर रहे थे तो काफी इंडिया में क्रिकेट को सबसे ज्यादा देखा जाता है आईपीएल हो गया क्रिकेट बहुत प्यार किया तो इस लीग के पीछे बनाने के थॉट प्रोसेस आपका क्या था एंड क्या सोचे आपने इसको एक शुरुआत दी है तो जैसे आप जानते हैं कि मैं 12-13 साल से स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ मेरी पहले ऑल स्टार फुटबॉल क्लब थी जो अभी भी चल रही है जिसमें अभिषेक रणवीर अर्जुन सब खेलते हैं चैरिटी के लिए है उसके बाद 2 साल पहले मैंने ऑल स्टार फुटी लीग शुरू की थी जिसमें इन्फ्लुएंसर्स खेलते हैं तो ये तो फुटबॉल हो गया था तो मैंने सोचा कि जो देश का सबसे सर्वप्रेम खेल है क्रिकेट उससे भी जुड़ा जाए तो हमने फिर ऑल स्टार्स टेस्ट क्रिकेट लीग के बारे में सोचा पर हमने उसमें ट्विस्ट डाला ये बचपन का खेल करेगा एंटरटेन तो जो रूल्स हैं इसके वो बचपन के हैं कि बॉल बाहर गया आउट हो गया एक हाथ से बॉल पकड़ लिया तो आउट हो गया एक साइड से बैटिंग होगी पीछे कोई रन नहीं होंगे डिक्लेयर्ड रन हो गया अगर बॉल यहाँ चला गया तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हमने डाली हैं इट्स एंटरटेनिंग फॉर द पब्लिक इट्स एंटरटेनिंग फॉर द पीपल हु आर कमिंग देयर टू वॉच इट्स एंटरटेनिंग फॉर द प्लेयर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग बिकॉज क्रिकेट तो हर खेलता है हर आदमी खेलता है और जो बचपन की यादें होती हैं जिनके वो रूल्स होते हैं उसको आप बड़े पर्दे पे आज लेके आ रहे हो सोनी इसको लाइव दिखा रहा है बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर इसमें भाग ले रहे हैं तो सौभाग्य है कि ऐसी एक चीज़ जो हमने बनाई है वो क्रिकेट के माध्यम से लोगों तक पहुँचे ये इसका मेन लक्ष्य और उद्देश्य यही था करण जी सर ने कहा कि इसमें बचपन के रूल्स हैं तो जब आपने ये सब सुना होगा तो आपको नॉस्टैल्जिया फील नहीं हुआ कि बचपन में हम भी ये करते थे अब यहाँ पे बड़े ओलंपिक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके हम सब यही करने वाले हैं मजा कितना आएगा तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई ये ओवर आर्म है या क्या है मतलब क्या सीजन बोले कैसा बोले नहीं भाई ये बचपन का खेल है सबसे पहले नहीं कहा मजा आएगा जो तुम्हारे रोल होते हैं बचपन में एंड सो दैट गॉट मी वेरी एक्साइटेड एंड द सेकंड एक्साइटिंग थिंग दैट ही सेड करे जो ओनर है ना वो मारवाड़ी है राजस्थानी है मुझे बड़ा मजा आएगा यही बोल के बोला था ठीक है आई एम ऑन यू नो सो आई वाज डैम एक्साइटेड जैसे कि मैं देख रही हूँ काफ़ी यंग बॉयज़ भी हैं तो एज लिमिट क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने का तो बताना थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल ऑफ अस यंग यस वी आर वेरी यंग लिमिट वाली जवाब देता हूँ स्पोर्ट्स में एज इज जस्ट अ नंबर या राइट राइट
तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, अगर कोई 70 साल का भी खिलाड़ी है फिल्म इंडस्ट्री का जिसको क्रिकेट खेलना है और वो खेल सकता है, मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। रजिस्टर कोचेज हैं जो आपको पॉइंट्स देंगे, आपको ड्राफ्ट में डालेंगे और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो गुड फॉर यू। सर आपसे कहना चाहूँगा, आपने एक टीम बनाई है तो किस तरह आपने खिलाड़ी को तैयार किया, क्या देख के आपने चूज किया सबको? सर साथ में है तो क्या कुछ देख के पकड़े खिलाड़ी के, आज जीत जब एंथम में सर हम ही जीतेंगे। हाँ सबसे पहले तो बंटी भाई को थैंक यू जो एक ट्री के नीचे सबको आपस में जोड़ा है। मैं आउट ऑफ था, बंटी भाई का मैसेज आया, कॉल आया कि भाई ये कर रहे हैं और ये चीज़ें और ये चाहते हैं भी आप। उनका हमारे बड़े भाई हैं, 14 साल से हमारे संबंध है, उनको डांटते भी हैं फिर बंटी जी को मैंने पूछा कौन कौन कैप्टन क्या है, तो उन्होंने बोला ये है। फिर मैंने करण का तो मेरे को मालूम था कि ये राजस्थान से है, तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई राजस्थान से, बोला करण भी तो करो, एक तो राजस्थान से भी है और एक इसमें फायर भी मैंने एक थोड़ा डिफरेंट देखा है, तो मैंने बोला करण भी हमारा कैप्टन रहेगा। और उसके बाद से हमने सब प्लानिंग चालू की, बैठ के बंटी भाई से भी आइडिया लिए, विक्रम भाई भी मेरे पार्टनर हैं फिल्म एक्टर, 27 फिल्म उन्होंने भी की है, राज संडे लिया, यू नो वेरी वेल ये कोई नाम के फिर को मालूम है, बाकी हमारे टीम थी आयुष, हमारे कोच विजय जी, हमारे भाई माटा जी, अपना उज्ज्वल और ये हमारे लीगल एडवाइजर है अमित सिंह जी, और थैंक्स फॉर ये सॉन्ग के लिए हमारे बॉलीवुड के अपने डायरेक्टर अमन मुजाफर हैं जिन्होंने 150 सॉन्ग किए हैं बॉलीवुड में और 100-150 मिलियन इनके सॉन्ग्स किए हैं। ये भी जुम्मा इन्होंने बखूबी निकाला, ये 2-3 दिन में इन्होंने ये गाना हमको बना के दिन रात मेहनत करके दिया, तो थैंक्स फॉर अमन प्रजापति। अभी भी आप देख रहे थे वो अपलोड ही हो रहा था। बस आप दुआ करें तभी टीम जीते हमारी राजस्थान जयगवार। नहीं 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 सॉरी सॉरी बंटी, हम ऑलरेडी कप जीत चुके हैं, मैच खेलना है। बाकी सब प्लेयर जितने हमारी लीग में फिक्सिंग नहीं है। I'll just take one before I leave. I'd like to also thank Raj Sandhilya. He's a big name in the Indian film industry. I made a call to him. He was busy with the release of his film, but he listened to me and said yes, I'll participate. He liked the idea, and he got himself registered. He was in the draft. He came for the trials, and he's got selected. And trust you me, I watched him at his practice. He's a great player. Apart from being a great player. Yeah, also. Guys, I'll take your leave. I have some board meetings to attend to. But the one minute, Sandy. Jack was here. Yeah. That's the team you need to talk to. Before going, I need to just to add on. Just before he leaves, Raj Bhai is given genuinely. He's one of the top names in the industry in the direction. 3 back to back hits. You don't expect ki wo aayenge rose khelenge hum logo ke saath, you know, people are busy, but he is like a child. He used to come every day for practice, every day for practice, and hats off to him for that. You made this team. So Alia, what has been your experience from being a producer coming from Bollywood to now having your own team? Okay, so I'll just correct you, I don't own the team, I own the league. Yeah. So I've been in the business of films and sports for the last, in films for the last 25 years, sports now. I'm yet making films, I haven't given up. I'm working on a couple of subjects. Hopefully it worked with Raj at some point of time. We were talking before he became a big director. For me, there's no difference because all my sporting ventures have members of the film industry, which is my family. So there's no difference for me at all. All right. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. अवेश।
कोई बॉलर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है, कोई फील्डर अच्छा है,
तो हम यही चुन के टीम यही है कि हमारी टीम जीते। I'd like to add कि कैसे चूज किया है। मेरे एक दोस्त उनका नाम भी नहीं लूंगा, बता बोलेंगे कि तूने इसकी हेल्प ली। जो हमारी टीम है ना, I was advised 20 names, उसमें से मुझे हमारी 11 प्लेयर्स की टीम है, 12 प्लेयर्स की टीम है, I was advised 20 names, we have in that 20 we have all 12. और वन लिटरली आई वॉज एडवाइज दीज नेम्स के गो फॉर दीज, गो फॉर दैट, गो प्रे के हमें ये 20 में से एटलीस्ट 10 तो मिले, हम इस 12 के 12 सच ऑसम प्लेयर दैट यू नो वी हैव अ स्टार प्लेयर आउट हियर शुभम माटा, ही इज वेरी वेरी गुड। ओके शुभम, रेज योर हैंड। आरुष आरुष इज देयर, किरण किरण दीपक, यू नो सो दीस गाइस आर लाइक रियली गुड प्लेयर्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अनुज हमारा अनुज भी यहां पर नहीं है सर। कहना कहीं जब मैं टेनिस के बीच से बात करता हूँ तो एजिलिटी विच इज़ मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे बॉल बाउंस ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दूसरे क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से, तो उस तरह अपने आप से प्रिपेयर किया है कि इधर उधर भाग सके एंड उछल कूद हो जाए अच्छी खासी। अरे वहाँ पर एक मैट है जो बाउंस ही नहीं होता है यार, हमें वही लगा कि बॉल बाउंस होगी, वो बाउंस ही नहीं होती है, एक मैट लगा हुआ स्पेशल। So we'll be going today to practice on that to see how the ball rides. So it's very different. It's going to be not जैसे ना कि even the best player can get caught or bowled or you know may score may not score or even the worst player can score or not score, you know, you don't know, how they mind game this time. स्ट्रैटेजी यही है कि हमें मजे करना है, राइट भाई? इन्होंने बहुत सही बात, हम स्ट्रैटेजी बना रहे थे भाई, देखो मजे करने हैं एक्चुअली। हाँ ये यू नो वी कीप फॉरगेटिंग बिकॉज यू कैन सो हमने छुपाया हुआ था मैंने, सॉरी का भाई, सॉरी आप से भाई, यू आस्क दिस क्वेश्चन ही तो मैं अपने बाद में आराम करके इट वाज गेटिंग इनसाइड द स्टूडियो जहां हम शूट कर रहे, अनफॉर्चूनेटली एक दिस बिग स्लैप, ये ऐसे स्लैप सीधा करण के पैर आगे थोड़ा हम पूरा चूर और पैर पीछे आ गए, इसका एक पैर से स्टंट से पीछे लिया भी स्पोर्ट्स पे भाई स्प्रिंटर चाहिए गॉड ऑफ गॉड इस कैटर में नारियल फोड़े दो तीन पहले भाई फोड़ा हुआ था लगा एक बार सिर में फोड़ दो अच्छा नहीं गिरेगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस में मालूम पड़ जाता है कि कौन फिट है कौन मेंटेन है, आपकी थकान ना पहले बहुत से शुरू हो जाती है और उसमें ये होता है कि आप आज जैसे हम लोग पहले दिन जब थे हम लोग तो बड़े फिट लग रहे थे एक दूसरे को बहुत बढ़िया, फिर पता लगा तीन बेहोश डले डले हुए किसी को यहाँ अरे तुम यहाँ हुए हो खड़क हो बोलेंगे तुम्हारी आप लोग ये फिटनेस का मेंटेनेंस का आप जो भी कह लें ये आपका B12 T13 आपका हीमोग्लोबिन और इसमें ना बहुत एक गजब का रूल है, हमें पहले क्या लगता था कि जो भाग नहीं सकते कोई बात नहीं चौका मारेंगे दौर मारेंगे बार मारेंगे, आपको सपोज बाउंड्री पे दो रन डिक्लेयर हो गए या तीन रन डिक्लेयर हो गए या चार रन डिक्लेयर हो गए आपको उसके लिए भागना पड़ेगा, तो फिटनेस हमारी एकदम तगड़ी होगी, ऐसे फ्री में रन नहीं मिलने वाले आपको भागना ही पड़ेगा। कौन देता गालियां आपने तो गालियां आपने बोला हम कितनी गालियां देते हैं दो में गालियां लास्ट थी। इतने इतने कम समय में हमारी जो टीम है पुष्कर हमारा डिजिटल और शुभम और हमारी पीआर टीम तस्तीम और उनकी टीम और हमारा सतीश और हमारा दीपू ये सब लोगों ने मिलके आज जो इतने कम समय ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज जो किया है उन सबको भी मैं हमारे राजस्थान जगवा करण भी हमारा
राज भाई, विक्रम, हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सबको भी जो ऑनर है हमारे कुछ दो शब्द ये भी कहेंगे माय सन, मेन ऑनर तो यही है एक चीज तो पक्की हो गई है कि अब मैं मेरा दूसरा गाना भी कर रहा हूँ, अब मैं सिंगिंग में भी गुजरा चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू या राजस्थान जगुआर सिद्धार्थ आप लोगों थैंक यू सो मच लव यू।